हाल है भैया? हाँ बढ़िया यार। यहाँ की बेस्ट कचौरी, खड़ी कचौरी कौन सी है? बेस्ट कचौरी तो भाई साहब शंकर चाट भंडार। कौन से? शंकर चाट भंडार। कहाँ पर है ये? अपने गोल ग्राउंड में। सबसे टॉप कचौरी, टॉप बढ़िया। और दूसरी जगह जाने और जाने की जरूरत ही नहीं है। कचौरी का किंग, अरे एक नंबर। चलो लेट्स ट्राई, आप मुझे वहाँ ले चलेंगे? आइए, हम आज मंजिल पर पहुंच गए हैं। इसे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसे कहते हैं अजमेर का किला। अजमेर का किला अपने आप में खास महत्व रखते हुए है। यहाँ पर चौहानों ने राज किया, मराठों ने राज किया, राजपूतों ने राज किया, मुसलमानों ने राज किया और अंग्रेजों ने राज किया। लगभग 905 साल पुरानी यह नगरी अजमेर नगरी, जो ख्वाजा के नाम से भी फेमस है। ये जो किला आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसका एक खास महत्व ये रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि सर थॉमस रो यहाँ पर आए थे और जहांगीर ने अंग्रेजों को, यही वो किला है जहाँ पर हिंदुस्तान में व्यापार करने की परमिशन दी थी। मतलब यहीं पर अंग्रेजों के ऊपर ब्रांडिंग लगी थी दैट दे कैन डू ऑल काइंड ऑफ बिजनेस इन इंडिया। यही वो जगह है, यही वो महत्वपूर्ण किला है जहाँ पर वो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। अब हम चलते हैं इंडियन देसी तड़का, एज यू नो, एज यूजुअल तड़का। पंडितों को भूख लगती है भैया, तो लेट्स गो हैविंग इंडियन देसी तड़का, हैविंग द कचौरी। शंकर चाट की कचौरी, कढ़ी एंड कचौरी जो मोस्ट फेमस यहाँ की कचौरी है, खाते ही अब तो आपकी नानी याद आ जाए। ये यहाँ की एक स्पेशलिटी बताई है अजमेर की, गोल गाँव की शंकर कचौरी। देखिए कढ़ी, और ऐसा लगता है इसकी कढ़ी में कुछ करंट है, तो काफ़ी सुना है, लेट्स ट्राई इस करंट में क्या है ऐसा। इसमें धनिया की चटनी, इमली वाली चटनी और ये जो दाल कचौड़ी है, आई एम जस्ट गोना ट्राई एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। नानी याद आती है या नहीं आती है? आएगी नानी याद, आएगी 100% आपको नानी याद आनी आनी है। मैं मिर्ची बहुत कम खाता हूँ, इसलिए आप जब भी इनके यहाँ कचौरी खाने आए तो आप मीठी चटनी ज़्यादा डलवा लेना भैया, नहीं तो यू कांट इट। रियली नाइस, वेरी गुड। सर नमस्ते, आप कचौरी खा रहे हैं सर?
अरे क्या बात है, याद आई नानी? बाप रे बाप, आप अजमेर से हैं ना? हाँ सर। कब से आप उनकी कचौरी खा रहे हैं? आप वो कचौरी खाते खाते आप बड़े हो गए। बड़े हो गए। क्या बात है, आप देखिए ये अजमेर की शंकर कचौरी खाते हुए गोल चाव की कचौरी खाते जाते हैं सर, बता रहे हैं छोटे से बड़े हो गए। हमारे बच्चे भी बड़े हो गए। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये कचौरी खाई छोटे से आप बड़े हो जाएंगे। मिलते हैं आप ओनर श्री शंकर शर्मा जी से। सर हमने सुना आपकी कचौरी के बारे में बहुत कुछ, और आज कचौरी टेस्ट की है, रियली एक्सीलेंट। ये कचौरी ऐसी है जहाँ नानी याद आ जाती है, और हमने सुना है ये काफी जनरेशन से आपने ये कचौरी का और पकौड़ी का बिजनेस किया है, थोड़ा आप इसके बारे में बताइए। इस कचौरी के मसाले के अंदर नानी और दादी के ही देन है। क्या बात है, मतलब नानी का, इसका जो मसाला है नानी और दादी, आज भी मेरी मदर मतलब आप कितने साल से ये शॉप लगी हुई है? हमारे पास करीब चौथी पीढ़ी है ये। अरे वाह, ओरिजिनल सन, क्या बात है सर। नमस्ते, क्या हाल है सर? आप बताएं अपनी कचौरी के बारे में। अजमेर का सबसे मेन और मेन डिश है कढ़ी कचौरी। अजमेर का हर दूसरा बंदर वो कढ़ी कचौरी खाता है। सर हमने आपकी कचौरी के बारे में सुना है, अजमेर के लोगों को बस बिगाड़ दिया आपकी कचौरी, मतलब सुबह दिन में शाम को एक बार तो यहाँ आकर कचौरी खानी खानी है। ऐसा क्या राज है, आपने क्या बनाया है, क्या खिलाया? जिस तरह से ज्यादा लाड प्यार के अंदर बच्चा बिगड़ जाता है, उसी तरीके से ज्यादा स्वाद मिलता है। अरे क्या बात है, बिगड़ गए साहब, रियली एक्सीलेंट कचौरी खाते मुझे मेरी नानी याद आई थी। अंकल बता रहे हैं नानी नहीं आपको दादी भी याद आनी चाहिए। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। चलते हैं यहाँ पर कचौड़ी जब खाने लगे तो आज मुलाकात हो गई मिस्टर दीपक शर्मा जो पृथ्वीराज फाउंडेशन से हैं, और यही पास में जो म्यूजियम जो अजमेर किला है यही मुलाकात हुई, और इनके साथ में इस कचौड़ी का टेस्ट और फ्लेवर के बारे में इनका एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं। सर कैसी है कचौड़ी, कुछ इसके बारे में आप बता पाएंगे? ये कचौड़ी बहुत स्वादिष्ट है, आज के संग्रहालय का पता बताने के लिए हमें बताना पड़ता था गोल प्याऊ कचौरी के पास। यही बात सर, हम जब ये अजमेर की पहचान है गोल प्याऊ कचौरी। कैसी लगी कचौरी? अजमेर में कचौरी किंग के नाम से जाने जाने वाले शंकर चाट शंकर कचौड़ी भंडार, उन्हीं के प्रोप्राइटर में से एक। सर आपका नाम? प्रकाश भैया। थैंक यू। आपकी कचौड़ी के बारे में काफी कुछ सुना है, थोड़ा बहुत बताएंगे आप भी? हालांकि आपके पापा ने और छोटे भैया ने भी बताया है, बट आपकी खासियत आपकी कचौड़ी की? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारे मसालों का चुनाव हमारे ग्रैंडफादर के द्वारा हमें सिखाया गया है। यो यो इंडियन देसी तड़का।